सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप जलते हुए मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटेगी जहां आपका उत्साह जोश नीचे दब जाएगा। उस वक्त ये याद रखना कि मोमबत्ती की तरह आप हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अपने उत्साह और जोश की लौ को बुझने नहीं देना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं। क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके मन में हूँ पर रहूँगा आपके पास ही। आज का पंचांग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:06 से 9:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मकर राशि 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार। अभी घरेलू मामले आपके दिमाग में हो सकते हैं और भाई या माता पिता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। सामाजिक उत्सवों का क्लब में पार्टी या रेस्टोरेंट का मजा लेने के लिए समय निकालें, धन का सदुपयोग करें और फिजूल खर्चे से बचें। अपने कुशलता के कारण आपको घर और कार्य स्थान दोनों में सम्मान और आदर मिलेगा। आज यात्रा की भी संभावना है। अच्छे कामों का लाभ प्राप्त होने वाला है क्योंकि उदारता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक इंसान अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। घर की व्यवस्था को अनुशासित बनाकर रखने में आप कामयाब भी रहेंगे। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न भी रहेगा। पैसों से संबंधित फायदा हो सकता है। मानसिक समाधान प्राप्त होने से आध्यात्मिक कामों की तरफ झुकाव बढ़ेगा। एक से अधिक काम में यश प्राप्त होने की संभावना बन रही है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। करियर संबंधित गलतियों को सुधारना संभव होगा और सुधार लेने के लिए प्रयास शुरू करें। पार्टनर्स अपने बर्ताव की जिम्मेदारी लेंगे, इस कारण रिलेशनशिप संबंधित नकारात्मक बातें मिटने लगेगी। फिजियोथेरेपी से शरीर में होने वाली तकलीफ कम की जा सकती है। सावधानियां: ध्यान रखिए कि घर के लोगों पर ज्यादा हस्तक्षेप न करें। सबको अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है, इससे घर का माहौल नहीं खराब होगा तथा बच्चों में आत्मविश्वास भी जागृत होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे परंतु विवाहित संबंधों से दूरी बनाकर रखें, इनकी वजह से परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपके विरोधी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपके उत्साह को कम नहीं कर सकती। आपका परिवार आपके साथ है और प्रेम जीवन भी समृद्ध है। साथ में किया सफर आपकी प्रेम की आग को और अधिक भड़का सकता है, इसे आप एक दूसरे से दूर रहने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अपने साथी की छोटी समस्या को हल करना आपके लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। आप अपने साथी के साथ जुड़े इस मुद्दे का समाधान करने वाले हैं, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। बात करते हैं करियर की। आपके कौशल और गुण आपकी निधि है जिससे आप हर जंग जीत लेंगे। आज किसी यात्रा की योजना रद्द हो सकती है या उसमें विलम्ब हो सकता है। उन गतिविधियों को नजरअंदाज न करें जिससे आपको खुशी मिलती है। व्यवसाय में आपके कौशल की सराहना की जाती है और इसीलिए आपका आदर सम्मान होता है। आज अपनी जीत का जश्न मनाने का दिन है क्योंकि आपकी निपुणता सफलता प्रदान कर रही है। नया व्यवसाय आपको वित्तीय
विवरण चुनौतियों और अवसर प्रदान करेगा। सकारात्मक बने क्योंकि यह आपके अच्छे कामों के लाभ उठाने का अच्छा समय है। बात करते हैं सेहत की। खांसी जुकाम जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं, आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।